नमस्कार, आदाब, राम राम। स्वागत है आपका बीवीएम न्यूज़ के खास कार्यक्रम बदलते गांव में। मैं हूं आपके साथ खुशियत्री। एक बार फिर आपको लेकर चलती हूं बदलते गांव की बदलती तस्वीरों की ओर। आज हम आपको अपने खास बदलते गांव में दिखाएंगे बल्लभगढ़ के गांव चांदपुर की तस्वीरें। यमुना किनारे बसा हुआ गांव कभी उत्तर प्रदेश की सीमा में आता था, लेकिन यमुना में पानी का स्तर बढ़ जाने के बाद गाँव के लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पर आ गए और यहीं आकर बस गए। फिर क्या पल भर में पानी के बहाव ने यूपी निवासियों को हरियाणा का वासिंदा बना दिया। आइए चलते हैं बदलते गांव की बदलती तस्वीरें दिखाने के लिए गांव चांदपुर। संवाददाता सुनील और सहयोगी विक्रम भारद्वाज के साथ। भल्लावण से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ चांदपुर गांव, जहां पर चांदपुर के इतिहास के बारे में हम जानेंगे और बदलते हुए गांव की तस्वीर दिखाएंगे। क्या है चांदपुर का इतिहास, क्यों चांदपुर का नाम चांदपुर रखा गया, कौन सबसे पहले चांदपुर आया, क्या है चांदपुर का इतिहास, क्या है चांदपुर की तस्वीर दिखाएंगे बीबीएम के प्रोग्राम बदलते गाँव में। ये है बल्लभगढ़ का चांदपुर गाँव। करीब 5000 आबादी वाले गांव की नींव करीब 500-600 साल पहले रखी गई थी। गांव यमुना किनारे बसा हुआ है। गांव में किसान परिवारों के साथ साथ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। इस गांव की महिलाएं घर के काम के साथ साथ खेतों के काम में भी हाथ बटाती हैं। चांदपुर गांव बल्लभगढ़ शहर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव चांदपुर के इतिहास की बात करें तो इसके पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है। यूपी के बरेली से एक चांदखा नामक व्यक्ति यमुना पार आकर खाली जमीन पर आकर बसा और देखते ही देखते इसी व्यक्ति के नाम से गांव चांदपुर की उत्पत्ति हुई। आइए जानते हैं इस रोचक इतिहास की पूरी दास्तां। हर किसी गांव का कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है, चाहे वो 1000 वर्ष पुराना हो या फिर सैकड़ों वर्ष पुराना। ऐसा ही कुछ इतिहास गांव चांदपुर का है, जो कि बड़ा ही रोचक है। गांव के बुजुर्गों की माने तो चांदपुर गांव बसने से पहले यमुना का किनारा हुआ करता था, जहां करीबन 500-600 साल पहले उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक चांद खां नाम का व्यक्ति आया और इसी यमुना किनारे की जमीन पर रहने लगा। धीरे धीरे लोग जुटते गए और इसी चांद खां के नाम पर गांव का नाम चांदपुर पड़ गया। हमारा गांव बहुत पुराना है। बारे में छानबीन करी तो कागज हमें मिले डिस्ट्रिक्ट से, और 1415 के जो कागज हमें मिले वे उसमें हमारे बुजुर्गों के नाम मिले, और 1415 में ये गांव जमुना पार था बेला कला के नाम से। ठीक है, जमुना में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के कारण लोग इधर उधर हो गए, तो जमुना से यूपी से होकर हरियाणा में आ गए। हरियाणा में जहाज बसा हुआ है चांद खां के नाम से गाँव था, और आज ये चांदपुर के नाम से जाना जाता है। चांद खां ही थे पहले गांव, पहले चांद खां का ये मोहम्मद के नाम से गांव था। तो ये कितने साल पहले गांव है? ये गांव होगा लगभग 550-600 साल पहले। 500 400 साल। ये था गांव का इतिहास। अब जानेंगे बदलते परिवेश के चलते गांव में अभी पुराने जमाने का क्या क्या बाकी है और ग्रामीण उसे किस प्रकार से संयोज कर रखे हुए हैं। गांव चांदपुर में पुरानी संस्कृति को संजो कर रखने के लिए प्रचारी मंदिर है, एक शिव मंदिर और दूसरा बाबा मोहन राम का मंदिर भी है। ग्रामीणों में शिव मंदिर को लेकर श्रद्धा भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ग्रामीणों का मानना है
कि प्राचीन काल में एक शिवलिंग जमीन से निकला, जिसकी जगह लोगों ने मंदिर बना दिया। बताया जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस शिवलिंग को तोड़ने का भी प्रयास किया, मगर शिव भोले की शक्ति के आगे हार गए। आज इस मंदिर की पूरा गांव पूजा करता है। बताते हैं कि सच्चे मन से जो कोई इस मंदिर में कामना करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही बने कि वो जो है ना भाई जब इन्हें नष्ट कर रहे हैं, हमें देख के आया है मुसलमान, तो जब ये साधु में आए के मंदिर बनाया है, जब अब इन बातन की तो साधु नहीं खबर ही हमें। हमारे बड़े बूढ़े बताते आए 500 साल पुरानी ये मतलब का जो है समझ में लिख ली, और फिर मतलब का जो है इसे नष्ट करने की कोशिश करी कुछ लोगों ने, फिर मतलब का जो है दो साधु आए, उन्होंने इसे जागरूक किया, मंदिर बनवाया, कुआं खुदवाया, जब से हमारे यहाँ मतलब का जो है शिव की भोले की पूजा होती है। पानी का निकाल कहीं नहीं छोड़ा, तो एक दिन पूरे दिन गांव वालों ने पानी इसमें भरा, बाकी शिवलिंग नहीं डूबी। इसमें चमत्कार है तभी तो नहीं डूबी, ये भी इसमें कोई करामात है। और इसको मन से कोई पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। वही गांव में बाबा मोहन राम के मंदिर से भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसके पास एक झोड़ है। साधु संत व ग्रामीणों का कहना है कि झोड़ के पानी में अनेकों दवाइयों का मिश्रण है, जो रोगी इस पानी में नहाता है तो रोग मुक्त हो जाता है। गांव के बुजुर्ग लोग हैं, वैसे सातवीं पीढ़ी तो हमारी ही चल रही है, और हमारे जो पहले पुजारियों की जो है समाधि बनी हुई हैं, वो भी आज से उनकी भी 100 वर्ष की आयु होकर पूरी मरी थी, जिस पूरी हुई थी। और गांव के लोग बताते हैं कि उड़े के नाम से जगह सरनाम है, इस जगह में ऐसी खासियत है, इस जगह में ही कोई देव शक्ति है कि यहाँ आने से लोगों के भले हो जाते हैं। यहाँ होली के पे एकादशी का मेला लगता है, बहुत दूर दराज के लोग यहाँ पुरानी मान्यता के लिए आते हैं। जेठ का महीना और माह का महीना उत्तम तपस्या का माना जाता है। ये बाबा मोहन राम का कलयुग का अवतार है। यहाँ पे कोई दुखी डॉक्टर वैद्य हकीम नाट जाते हैं, इस जगह में कोई हो ना हो यहाँ की आके ओढ़ई का जल लेते हैं, धूना की भभूति लेते हैं, बाबा की परिक्रमा करते हैं, चिड़ियान को दाना डालते हैं, चैटिन के लिए चुग्गा डालते हैं आटा, और आस्था के दीप जलाते हैं मंदिर में परिक्रमा करके, और भगवान से मिन्नत मांगते हैं तो मरीज गोदी में आता है, हंसता हुआ जाता है। बाबा मोहन राम का जो एक एकड़ के अंदर छोटा अलग से तालाब है, उस जल को ले जाओ, वो कभी सड़ता बुझता नहीं। यहाँ तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, आगरा के भी आते हैं, मथुरा के भी आते हैं, कानपुर के भी आते हैं, एटा के, दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा तकरीबन, और काफ़ी यूपी आती है, काफ़ी दूरी से बनारस तक से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, राजस्थान से, हरियाणा से लोग आते हैं। और यहाँ की प्राचीन मान्यता है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में इसकी मान्यता ज़्यादा है, जो यहाँ के भक्त होली पे यहाँ काफी तादाद में एकत्र होकर बाबा मोहन राम की खोली पर जोत जलाने जाते हैं। ये थी गांव की संस्कृति और लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने वाला मंदिर, जिनके कारण गांव में आस्था अभी भी जागृत है। अब आपको दिखाते हैं गांव के वो पहलू जिससे गांव गांव नजर आते हैं। चांदपुर गांव यमुना के किनारे बसा हुआ है, जिसकी खेती वाली जमीन अधिकतर यमुना में ही आती है। यमुना का जल स्तर बढ़ जाने के बाद गांव के लोगों को फसलें खराब होने का डर रहता है। गांव के लोग अभी भी खेतों में काम काज करने के बाद दिन में छोटी छोटी चौपालों पर एकत्रित होकर ताश खेलते हुए नजर आते हैं, और इस खेल में एक दूसरे से प्यार वाली लड़ाई भी दिखाई देती है। लेकिन यमुना हमसे तकरीबन यहाँ तक 2-3-4 किलोमीटर थी दूर, नहीं अब तो हमारे गांव के नज़दीक ही आ गई है,
तो उसमें नहाते क्या है? अब बच्चे नहीं नहाते, जिस दिन से मतवरी सीवरेज का पानी आ रहा है, पहले नहाते थे, लेकिन जिस दिन से सीवरेज का पानी आ रहा है, जितना भी मतवल पक्षी मतवल आता है इसके अंदर, मछली फछली सब मर जाती हैं, हैं जो उस गंध से, उसमें केमिकल ऐसे ऐसे डाल रखे हैं ऊपर से कि जो मतवल कोई नहा नहीं पाता, हमारा पशु भी पानी नहीं पी रहा इस टाइम पे, जमुना का पशु भी पानी नहीं पी पाता, और गर्मी के टाइम में तो इतनी बदबू हो जाती है कि गांव को भी बहुत मतवल कष्ट झेलने पड़ते हैं कि जो मतवल बहुत ज़्यादा कैसा है। चांदपुर का पानी ऐसा है जी, कहीं तो मतवल खारा है और कहीं मीठा है, हमारे यहाँ जी के दो ब्रांड हैं। जमुना का हमारे यहाँ गांव से तो कोई खास कोई हमें मतलब नुकसान नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी हमारा जो गांव है जमुना से करीब करीब 60-70 फीट ऊंचाई पे बसा हुआ है, और जितना भी जमुना का नुकसान होता है हमारे खेती में होता है, क्यों हमारी खेती जितनी भी जमुना की पल्ली साइड में दूसरी साइड में, और जैसे भी बाढ़ आती है तो वो सारा उसको उसमें सारे जंगल में फैल जाता है पानी, और उसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। गांव की बदलती तस्वीरों में चांदपुर गांव के ग्रामीणों को अपने गांव में पहले की अपेक्षा क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, कैसे देखते ही देखते गांव में बदलाव आया है, आइए एक नजर उन सुविधाओं पर भी डालते हैं। गांव में असुविधाएं कुछ हद तक दूर हो गई हैं, जहां कभी कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था वो रास्ते आज पक्के हो गए हैं। गाँव के लोग शिक्षा के लिए स्कूल ना होने के चलते खेती पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन अब गांव में 10वीं कक्षा तक स्कूल खुल गया है जिसमें लड़का और लड़की दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ये स्कूल महिपाल फौजी के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि 1965 में सरहद पर महिपाल देश की रक्षा करते समय शहीद हो गए थे, जिनकी याद में स्कूल का निर्माण करवाया गया। गांव में ग्रामीणों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया हुआ है, जहां बीमार हो जाने पर ग्रामीण अपना इलाज कराते हैं। वहीं गांव में गरीब बच्चों के लिए आंगनबाड़ी स्कूल भी खुला हुआ है, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खाना भी खिलाया जाता है। गांव में सुविधाओं की बात करें तो ग्रामीणों के लिए मीठे पानी की सुविधा घर घर तक पहुंचा दी गई है, जिससे अब गाँव की महिलाओं को पानी के लिए दूर दराज पानी लेने नहीं जाना पड़ता। पहले भैया खार खड्डे है, इतना पानी है वहीं में धस जावे, खारा पानी ले आकर दूर दूर से भर भर के कई जिम्मेदार से मांगे करे, भैया हमें एक बाल्टी पानी दे दो, हमारे पानी ना है, जब जाके अपने बच्चे को पानी वानी पिलावे, खाना बनावे, जब उनको खिलावे। बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी पानी के लिए हकीकत में ही, भैया हम बाल्टी माठ सिर पर लेके जावे, सारी दोपहर बाहर रह गए, अब आके हमें मौज आई है पानी की, घर में पानी है, बच्चे को भी पूरी जनता के लिए अब बहुत सुविधा हो रही है, नहीं भैया हम बहुत परेशान हैं। बहुत गरीबी आई, दो रुपए की सब्जी लाख बना खावे, आटा भी नहीं मिले, और पानी मांग मांग के मैंने भी भरा है यहाँ, अब तो बहुत सुविधा, रोटी पानी में पहनने और सब बदलाव आ गया, अब बढ़िया तरह बल्दी, गरीबी होते 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 मजबूरी लगने लगी बच्चों की, तो दो रोटी बढ़िया खाने। गाँव की संस्कृति, पुरानी जो संस्कृति जैसे हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, जैसा देखते आ रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं था भाई, रहने के लिए मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, और सारा कोई साधन नहीं था किसी प्रकार का, लेकिन आज की डेट में तो सभी के पास पक्के मकान हैं। पहनावा, पहले जो हमारे बुज़ुर्गों का जो पहनावा था वो कुर्ता धोती का पहनावा था ज़्यादातर, और अब तो उसमें काफ़ी चेंजिंग आई है, पैंट कुर्ट शर्ट पहनने लगे, कुर्ता धोती पहनने लगे, पजामा पहनने लगे, बाकी अब तो जींस का पहनावा आ ही गया अभी आप संस्कृति में आज के टाइम में, उस टाइम में पहले तो कपड़े भी नहीं थे, पूरे तमिल ढंग के लिए खाली कुर्ता या धोती गमसाल पे खेलते थे, बच्चों के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं होते थे, पैंट नहीं होती थी, कच्छा तक भी नहीं होता, 12 साल तक बच्चा गंदा घूम जाता है, औरतों के लिए खाली एक घाघरा या पेटीकोट और फुल साइज कमीज पहनते थे, और आज तो जींस पैंट पहन के घूम रहे हैं, सूट सलवार पहन घूम रहे हैं, पैंट टू शर्ट पहन घूम रहे हैं, आज तो बहुत नहीं, समय के अनुसार कमाई जैसी है, लोग जैसे मतलब उसमें चल रहे हैं, पैसे चल रहे हैं, पहले तो सारे नहीं कावे पीते थे, तंबाकू तो खाना तो बहुत कम बार होता ही ज़्यादा पी रहे, आज तो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, सबका पीते हैं, तो सबको साधन है, दो बंद सब कर। गाँव में अपने संसाधन जैसे भी आमदनी के जरिए बने, हमारे यहाँ पंचायतें हैं, पंचायत के थ्रू हमारे यहाँ विकास के कार्य होने लगे, गलियाँ बनने लगी,
पानी के साधन होने लगे, वाटर सप्लाई वगैरह आ गई, बिजली के साधन बन गए, अपने गांव में बिजली के कनेक्शन मिलने लगे और उसका भी साधन हुआ। तो धीरे धीरे ऐसे ही देखते आ रहे हैं कि ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है उसमें। जैसे जैसे हमें ग्रांटें मिल रही हैं, हमारे काम हो रहे हैं, पंचायत के जितने भी काम होते हैं कई हमारे विकास के लिए ही होते हैं सारे काम। और जैसे जैसे विकास हो रहा है ऐसे ऐसे डेवलप होता जा रहा है गाँव। विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या विकास कार्यक्रम इससे कुछ गली कूची जैसे मतलब कच्चे रास्तों में मतलब लोग ठोकर खाते थे, बच्चे गिर जाते थे, बड़े बूढ़े गिर जाते थे, खार हो जाते थे बारिश के अंदर, है जी। वो सरकार ने अच्छा साधन कर रखा है, ग्रांट मिल रहे हैं, विकास भी अच्छा हो रहा है गली कूची का, नाली मोरियाँ भी सही बन रही हैं, है जी। पहले हमारे बच्चे पोखरों में नहाते थे, हम भी पोखरों में नहाते थे, और जगह अब हैडपम्प भी लग रहे हैं गाँव में, वाटर सप्लाई भी है, हैं जी, अच्छा साधन सरकार कर रही है। अब आपको दिखाते और बताते हैं कि ऐसा क्या है जो बदलने के साथ साथ खत्म होने की कगार पर है, जिससे गांव की संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। आइए देखते हैं। गांव में कुछ बदला, कुछ सुख सुविधाएं मिली तो कुछ नया देखने को मिला। इन सब के बीच गुम होती जा रही चौपाल पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट एक ऐसा सोचनीय विषय है जिससे गांव की संस्कृति जुड़ी हुई है, जो कि अब गांव चांदपुर में चौपाल पर दिखाई और सुनाई नहीं देती। गांव में एक महिलाओं की चौपाल है जिस पर बच्चे दिन में खेलते हुए नजर आते हैं, मगर बुजुर्ग दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। अब आपको लेकर चलती हूँ गाँव के सरपंच मुकेश के पास, जिनसे जानेंगे बदलते गांव में उनका कितना योगदान रहा है और गांव की सुख सुविधाओं से जुड़ी क्या क्या चीजें मौजूद हैं और आगे गांव की दिशा और दशा बदलने के लिए क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे। गांव के सरपंच मुकेश की माने तो कच्चे रास्तों को पक्का करा दिया गया है, गांव के घर घर में पीने योग्य पानी भी पहुँचा दिया है। गाँव में ग्रामीणों के लिए छोटा बाजार है और दूर दराज व अन्य शहरों में जाने के लिए गांव से हरियाणा रोडवेज बसें गुजरती हैं। मैंने 1994 में यहाँ पे अपना काम शुरू किया था, तब यहाँ कुछ भी नहीं था, बस दो चार दुकान थी छोटी बिल्कुल हल्की फुल्की परचून वगैरह की। अब तो यहाँ पूरी मार्केट बन गई है, लगभग 250-300 दुकान है और बाकी तो सारा है किसी बड़े सामान के लिए, बाकी तो तकरीबन अपने यहीं पूर्ति हो जाती, जिसके द्वारा ग्रामीणों का रास्ता सुगतम हो गया है। इतना ही नहीं, गांव में आज सामाजिक तत्वों और लड़ाई झगड़ों को निपटाने के लिए पुलिस चौकी भी है। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हम भी देखा करते थे भाई, गांव के बच्चे हम भी पोखर में नहाने जाया करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आगे के लिए विकास हो रहे हैं, गाँव में वाटर लग चुके हैं, ट्यूबवेल हैं, नल हैं काफ़ी, और अब धीरे धीरे सबका जाना बंद हो गया तो उसमें नहाने के लिए पोखरों में, और सभी अपने घर शौचालय बनवाए हुए हैं सबने। मैं तो कहूँगा मोदी जी का जो ये नारा है स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी सफल हुआ है, और हमारे यहाँ पे भी लगभग सारे घरों में टॉयलेट है, जो कि सारे कुछ यूज अपने टॉयलेट में ही करते हैं भाई। अभी एक्चुअली एक हमारा शकुन था 8वीं तक, जो कि अभी हमने मंत्री जी से माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से रिक्वेस्ट की, प्रस्ताव भेजा, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी, और मैं तो कहूँगा मंत्री जी काफ़ी अच्छा विकास करवा रहे हैं। एक प्लस टू हो गया, एक हमारे गांव में शहीद महिपाल सिंह जी शहीद हुए थे 1971 में, तो उनकी प्रतिमा लगवाई है, उनके सकुल का नाम भी शहीद महिपाल सिंह उच्च विद्यालय रखा गया है। एक्चुअली सुविधा तो जैसे कि हमारे गाँव में लगभग एक ठाकुर चौपाल बन रही है, और मुसलमानों के लिए भी एक चौपाड़ है, वाल्मीकि चौपाड़, शमशान घाट, कुछ रास्ते हैं 10-20 रास्ते हैं, गलियां हैं जिन पे काफ़ी विकास चल रहा है। लगभग अब तक लगभग लगभग 20-22 नल भी लग चुके हैं, जैसे कि कुआं होते थे पहले, वो कुओं में पानी नहीं है, अब हमने उन कुओं को जालों से ढक दिया तक कोई बच्चा ना गिरे, किसी का पशु ना गिर पाए। पानी के लिए सर हमने नल लगवाए हैं, गाँव में लगभग 25 नल हैं अब तक जो लगे हैं, पिछली सरकार ने भी लगवाए थे, पिछले सरपंच ने लगवाए थे, और ट्यूबवेल हैं, दो ट्यूबवेल हैं गांव के अंदर, तीसरे की अभी वो चल रहा प्रस्ताव, वो भी लग जाएगा जल्दी। समस्या तो ऐसी कोई खास नहीं है गांव में, लेकिन एक हमारा गांव जमुना किनारे बसा हुआ है, उसके लिए हमने डीसी साहब को प्रस्ताव भी दिया,
भाई जो भी रास्ते हैं उन पर ठोकर लगवाई जाए। अभी बस हमारी थोड़ी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई ताकि पानी अंदर ना सके गांव में, तो ये ऐसी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। एक हमारे गांव में माननीय मंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी भाई आपके गांव में सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा, उस पर भी काफ़ी कुछ जोर से सरकार का काम चल रहा है और एक फाइल हमने भेजी है जो कि पास होकर आ जाएगी, जल्द ही गाँव को सौर ऊर्जा से लाइट प्राप्त हो जाएगी। सर अभी तो देखो गाँव में सुविधा की ज़रूरत है, कुछ रास्ते हैं जो कि अभी कच्चे हैं, कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो पहले बन चुके हैं, ख़राब हो गए टूट के फिर बनाने बाकी हैं, अभी सुविधाएं है कुछ चाहिए सर। हमारे गांव में ना सबसे ज़्यादा समस्या एक बस की है, सप्लाई सही नहीं आती है। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गांव में लगभग 2 बस चलाई जाएं जिनका घंटा आधे घंटा में चक्कर लगाया जाए। अभी ऑटो जाते हैं, ऑटो में बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, अभी अभी डर होता है ऑटो भर के जाते हैं, किसी के चोट लगे कुछ लगे, तो मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गांव में बस के चक्कर बढ़ाए जाए। तो ये थे गांव के सरपंच मुकेश, जिन्होंने बताया कि वो गांव की तरक्की के लिए प्रयासरत हैं और गांव में शहर की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो बीवीएम न्यूज के खास कार्यक्रम बदलते गांव में आज बस इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपके ही एक पड़ोसी गाँव की बदलती तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए खुशियत्री को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।